नमस्कार। महेंद्र सिंह धोनी ने इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 की कर दी घोषणा। कौन से नए खिलाड़ियों को मिली टीम में जगह और कौन से बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी हुए टीम से बाहर, ये देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाल ही में टीम इंडिया WTC का मैच हार कर आ रही है और उसमें से कुछ बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है टीम से, और इन बड़े खिलाड़ियों को रेस पर रखा गया है क्योंकि आगे वनडे वर्ल्ड कप आने वाला है। इसीलिए रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया है और नए खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली है। तो ये कौन से नए खिलाड़ी है, ये देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से नए खिलाड़ियों को इसमें खेलने का मौका मिला है। तो ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, जो कि IPL में बहुत ही अच्छा खेला है। और मिडल ऑर्डर में आएंगे थर्ड नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़, उसके बाद चौथे नंबर पर आएंगे संजू सैमसन, उसके बाद पांचवें नंबर पर इंडिया के कप्तान और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आएंगे, उसके बाद छठे नंबर पर आएंगे ईशान किशन विकेट कीपर और रन भी अच्छा खासा बना लेते हैं, उसके बाद आएगा अर्शदीप सिंह, बॉलिंग में उनका बहुत ही ज़्यादा जलवा नज़र आता है, उसके बाद आएंगे रवि बिश्नोई के बाद आएंगे फास्ट हमारे उमरान मलिक, और लास्ट में आएंगे एक जो प्लेयर है वो IPL में बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में आया है, रिंकू सिंह, और रिंकू सिंह के बाद आएंगे आकाश मडवाल। और ये है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की पूरी प्लेइंग 11 और इस पर महेंद्र सिंह धोनी ने मोहरतब कर दिया।